अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी को बिजली का झटका लगता है तो अधिकतर केसेस में लोगों की मौत हो जाती है। क्या इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी बॉडी में 70% पानी है और जैसे ही हमें बिजली का झटका लगता है अंदर का पानी जल जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून यानी कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने की वजह से वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता और हमारे शरीर के अंगों तक पहुँच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और उसी वजह से हमारी मौत हो जाती है। ये था इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट। क्या इसके पहले तक ये साइंटिफिक फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देश में कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीतिज्ञ और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हर राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री जी। गाइस, लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ एक फटी हुई धोती में ली थी और बाद में ऐसा पता लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पास सिर्फ दो ही धोती और सिर्फ दो ही कुर्ते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा था कि अब आप नई धोती क्यों नहीं ले लेते, तो उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसान ऐसी ही धोती पहनते हैं और मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। गाइज, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के सरल जीवन के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चीन के एक शहर हुबेई में यांगजी नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम है थ्री जॉर्ज डैम। ये डैम 2335 मीटर लंबा और 181 मीटर ऊंचा है। ये डैम इतना बड़ा है कि इस डैम की वजह से हमारी धरती यानी कि हमारी अर्थ का रोटेशन तक धीमा हो गया है। ओह माय गॉड, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डॉक्टर्स ने उसे 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए कहा कि या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर वो डिफिकल्ट हार्ट सर्जरी करवाए जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है। फुटबॉल खेलने का जुनून इतना सवार था कि उसने वो हार्ट सर्जरी करवाई। अपने इसी फुटबॉल के जुनून के चलते ये माली का बेटा आज विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बना है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। क्या आप में है ऐसा जुनून? और अगर है तो जीत आपकी पक्की है। माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी पक्की है। सपने तो शायद हम भी बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन मुसीबतों और बहानों के आगे हमारे सपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन एक वो लड़की थी जिसके सपनों के आगे मुसीबतों और बहानों ने घुटने टेक दिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई। बचपन उसका खेतों में काम करके निकला। 15 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाएगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिद के आगे सारी मुसीबतों ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 6 टाइम्स वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, 5 टाइम्स एशियन वुमेन चैंपियनशिप विनर, एशियन गेम्स 2014 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2013 पद्म भूषण विनर, 2003 अर्जुन अवार्ड विनर एंड 2006 पद्मश्री मैरी कॉम। सो गाइज, बिलीव इन यू, क्योंकि जिद है तो जीत पक्की है।